अपने को आज जो इंसिडेंट हुआ पॉलिटिक्स के साथ, पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे मस्जिद हरम और उनके ऊपर जो है चोर चोर के नारे लगाए गए, तो बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि वो मस्जिद के अंदर हुआ है या कहाँ हुआ है। वो मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, ये जगह है जहाँ वो हुआ है, दिस इज द होल प्लेस। तो इधर ये सारी मार्केट्स हैं और मस्जिद वहाँ है, वो है मस्जिद। तो ये इतनी बड़ी बीच की जो जगह है, ये यहाँ पर लोग चप्पल पहन के चलते हैं। देखिए आप, मैंने भी चप्पलें पहनी हैं, यहाँ लोग चप्पल पहन के चलते हैं, आप देखे होंगे। यहाँ पे शटल्स भी आती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशल्स भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खाने खा रहे हैं। और ये जो है वो देखिए वो मस्जिद है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो मस्जिद है। और ये इस तरफ ये मार्केट्स हैं। तो ये बीच की जो जगह है, यहाँ पे ये सारा मामला हुआ है। ये मस्जिद के अंदर की जगह नहीं है, ये कंपाउंड है एक जो कनेक्टिंग एरिया है बिटवीन द मॉस्क एंड द मार्केट्स। तो किसी ने मस्जिद का तकद्दस पामाल नहीं किया है। जब वो पॉलिटिशियंस अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो किसी ने हूट नहीं किया, किसी ने उस पर कुछ नहीं बोला। यहाँ से बस उनकी शटल जब जा रही थी, तब लोगों ने हूट किया था, शाउट किया था, जो भी नाम उनको कहे। ये यहाँ की बात है। तो प्लीज़ जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बैश कर रहे हैं कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। मस्जिद के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप देख लें, शटल भी खड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप, वो खड़ी हुई शटल, सही है ना। तो ये मस्जिद के अंदर का एरिया नहीं है। मस्जिद के अंदर जो है पाँव में चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं है, मस्जिद के अंदर शटल ले जाना अलाउड नहीं है, मस्जिद के अंदर इस तरह चहलकदमी करना अलाउड नहीं है, मस्जिद के अंदर मेल फीमेल साथ बैठना अलाउड नहीं है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेल्स और फीमेल्स सब सहाते हैं, बिकॉज इट्स अ वॉकिंग एरिया बिटवीन द मस्जिद एंड द मार्केट्स। ये एक कनेक्टिंग एरिया है, सही है, जिसको कोर्टयार्ड भी कह सकते हैं आप। तो कोई फतवे वगैरह लगाने से पहले ना ज़रा दिमाग से सोचा करें कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इबादत के लिए गए हो तो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मेरे भाई मैं वैसे सफ़र पे हूँ तो मेरे ऊपर कसर नमाज आती है, सही है। कसर का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ भी दो रकत हो जाती है अगर चार रकत है मगरिब और फजर की हटा के। तो मेरे ऊपर सिर्फ नफिल इबादत है और कसर है, लेकिन हम पूरी नमाजें पढ़ें अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो टाइम बचता है तो हम उसमें ये व्लॉगिंग वगैरह करते हैं। और इसका जो है सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं आया हूँ मदीना शरीफ, वैसे